सकता हूँ कि दिल्ली फैक्ट्री से उठा के जितने भी मजदूर लोग थे उस भीड़ में थे। इस भीड़ से चुनाव नहीं होता है। ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ थे लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति पारस। इनसे जानेंगे जिस तरीके से आज चिराग पासवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, कैसे जवाब देंगे। सर, आज चिराग पासवान ने आपके सामने ही शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो बहुमत है उनके पक्ष में। ये रैली है कि धरना है कि प्रदर्शन है, ये हमको बताइए। चिराग पासवान जी प्रदर्शन जो कराए हैं, आज मैं देखा अभी टीवी पर जी, बाहर में बसें लगी हुई थी, गाड़ियां लगी हुई थी और भीड़ थी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली फैक्ट्री से उठा के जितने भी मजदूर लोग थे उस भीड़ में थे। इस भीड़ से चुनाव नहीं होता है। संगठन ये भीड़ से नहीं चलता है, संगठन संगठन से चलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, जो उसके वोटर्स हैं, वो आएंगे, मतदान करेंगे, वो करेंगे। ये भीड़ का कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 17 जून को पटना में विधिवत हो चुका और निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। इसलिए आज की जो बैठक है वो पार्टी के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। मैं उसको गलत मानता हूँ। सर, चिराग पासवान आपके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं सर, आगामी 5 जुलाई। सर, आपको पता है हाजीपुर क्षेत्र क्या है? सो आपको नहीं पता है, हमारे संसदीय क्षेत्र होने के पहले स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का क्षेत्र था, कर्मभूमि उनका था वहाँ। वो हाजीपुर को अपने भाषण में कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है। वहाँ से लगभग 45 वर्ष तक वहाँ से राजनीति किए, 9 बार वहाँ के सांसद सदस्य रहे। मुझको काफ़ी खुशी है यदि चिराग पासवान जी 5 तारीख को हाजीपुर से उनके जन्मदिन पर यदि निकालेंगे तो मुझको काफ़ी खुशी होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि निकालें और पूरे बिहार में ले जाएं। जब मैं तो खुद कहता हूं कि पासवान जी के नाम पर मैंने कहा था, जिस दिन पासवान जी स्वर्गवास हुए थे, मैंने कहा था कि देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते हैं पासवान जी, शोषित दलित गरीब पिछड़ा के नेता थे। उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन पुत्र होने के नाते आज तक चिराग पासवान ने जी एक लाइन भी ने पार्लियामेंट के बाहर बोला ने पार्लियामेंट के अंदर बोला। एक अंतिम प्रश्न है सर कि चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार ने, यानी कि आपने उनके पीठ में छुरा घोंपा है। अच्छा, मेरे पास छुरा है नहीं, छुरा कांटा कुछ नहीं रहता है। मैं आज तक कभी छुरा देखा वो भी नहीं, और छुरा कांटा रहता ही नहीं है। ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। सौरभ पांडे कौन है सर? हमें मैं नहीं जानता हूँ कौन है। बनारस से कोई लड़का आया है जी। बनारस से कोई लड़का आया है, पता नहीं कब से दोस्ती थी, नहीं थी, क्या था, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पर्दे के पीछे पूरे बिहार के लोग जानते हैं, शायद आप बिहारी होंगे तो आप भी जानते होंगे, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि वो पर्दे के पीछे से शासन करता है पार्टी। उसके चलते ही पार्टी में प्रजातंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी समाप्त हो गया, तानाशाही व्यवस्था होगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। गाँव की दिल्ली फैक्ट्री से उठा के जितने भी मजदूर लोग थे उस भीड़ में थे। इस भीड़ से चुनाव नहीं होता है। ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई।